के लिए सर, लोगों से बचाने के लिए जो यहाँ पर आकर ये गंदगी फैलाते हैं उनसे बचाने के लिए क्या क्या काम किए जाएंगे हमने सर? यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा, रात और दिन यहाँ पर सिक्योरिटी रहते हैं, सिक्स रहते हैं दिन में, उसी तरह से रात में रहते हैं। लेकिन एरिया है 300 एकड़ का, तो वो चारों तरफ फैले रहते हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं ये लोगों। और हम लोग लोगों को भी समझाने का प्रयास करते हैं, सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनको हम खड़े होकर के समझाते हैं कि ये जगह आपकी है, ये पार्क आपका है, आपको सुरक्षित रखना है, सुंदर रखना है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में चीज़ें अच्छी होंगी। ये मैं बता रहा था कि जब आप 300 एकड़ के फेज टू को देखेंगे, पूरे भारत से जो पार्क 457 एकड़ में फैला है, जिसमें फेज टू का 300 एकड़ है, दोनों को जोड़ने के लिए कॉरिडोर बनाया है। हमने एक और भी प्रस्ताव दिया है कि इस पे ग्रीन ब्रिज कैसे बने। ग्रीन ब्रिज का मतलब हुआ कि भारतवर्ष में ये अपने तरह का पहला ब्रिज होगा जिससे चलते हुए मनुष्य नहीं जाएंगे, उससे चलते हुए जानवर आएंगे और जाएंगे। जैसे देखा पिछले दिनों तेंदुआ आया, यहाँ पे बार्किंग डियर है, अभी यहाँ पे जंगली सुअर है, नीलगाय है, तो उनके दोनों पार्कों में मतलब 457 एकड़ में स्वच्छंद विचरण के लिए उस ब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव हमने दिया है। दूसरा और भी किया है कि वहाँ पर 8 फीट से भी ऊंची फेंस की जाए, फेंसिंग चारों तरफ से फेंसिंग की जाए, और जब वो साथ चारों तरफ से फेंस हो जाएगा तो जो अभी छोटी बहुत समस्या नज़र आती है उसका भी समाधान निकल जाएगा।